गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है जीएसटी पीएमटी 08 का जो नया फॉर्म है उससे रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी पीएमटी 08 से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी का नया फॉर्म पीएमटी 08 किसे फाइल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि जो जीएसटी का न्यू रिटर्न सिस्टम होगा उसके अंदर जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, क्या उनको भी अपनी मंथली टैक्स पेमेंट करनी है, या मंथली जो रिटर्न फाइल करना है वो हम लोगों को क्वार्टरली में दिखाना है या मंथली में दिखाना है, किस हिसाब से नया रिटर्न सिस्टम होगा, पीएमटी 08 में क्या दिखलाना है नहीं दिखलाना है। आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। आपको जीएसटी के नए रिटर्न के बारे में जो जानकारी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो है जीएसटी पीएमटी 08 इज द फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिटर्न सिस्टम। ये चीज समझिएगा कि पीएमटी 08 जो है ये कोई एक रिटर्न नहीं है। आप कह सकते हैं इसको रिटर्न भी, लेकिन इसमें आपको कोई भी सेल्स परचेजेस की डिटेल्स नहीं डालनी है। ये आपका एक तरीके से पेमेंट करने का फॉर्म है या चालान है या रिटर्न है, आपको सिर्फ इसमें पेमेंट डिक्लेयर करना है। इट इज द फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द न्यू टैक्स रिटर्न सिस्टम। इस फॉर्म को यूज करके आपको अपना पेमेंट करना है, चाहे आप क्वार्टरली में हैं चाहे आप मंथली में हैं। ये फॉर्म आपको हर महीने फाइल करना होगा, क्योंकि टैक्सेस आपको हर महीने फाइल करना होगा, जैसा अभी आप करते हैं जीएसटीआर 3B में। अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भी फाइल करते हैं, लेकिन आपको जीएसटीआर 3B जो है वो मंथली फाइल करनी होती है, सिमिलरली पीएमटी 08 भी आपको मंथली फाइल करनी होगी। फॉर्म कैसा है पीएमटी 08 वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखला रहा हूँ वीडियो के एंड में। अगला पॉइंट निकल के आता है द टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर ऑफ एनी अमाउंट विल हैव टू फाइल दिस फॉर्म मंथली बाय द 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और आप रेगुलर डीलर हैं, ये भी कंफ्यूजन है लोगों को कि कंपोजिशन के लिए भी ये नया रिटर्न फॉर्म है क्या। कंपोजिशन के लिए नया रिटर्न सिस्टम नहीं है, उसके लिए तो ऑलरेडी सीएमपी 08 और जीएसटीआर 4 जो है वो नोटिफाई हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर डीलर्स वालों के लिए है, और रेगुलर डीलर्स वालों के लिए चाहे आपका टर्न ओवर 5 लाख रुपए का हो, चाहे आपका टर्न ओवर 50 करोड़ रुपए का हो, चाहे आप नए रिटर्न सिस्टम में मंथली में जाते हो, चाहे आप नए रिटर्न सिस्टम में क्वार्टरली में जा रहे हो, आपको जीएसटी पीएमटी 08 के थ्रू पेमेंट जो है वो हर महीने करनी है, और वो करनी है अगले महीने की 20 तारीख, मतलब जुलाई 19 से अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो आपका पहला पीएमटी 08 जाएगा 20 अगस्त 2019 या उससे पहले, जिसमें आप अपनी जुलाई 19 की लायबिलिटी सेट ऑफ करेंगे। तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि जीएसटी पीएमटी 08 में क्या क्या डिटेल्स जानी है। दिस फॉर्म रिक्वायर्स 3 डिटेल्स टू बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड डीलर, सेल डिटेल्स, आईटीसी डिटेल्स एंड आरसीएम लायबिलिटी डिटेल्स। जैसा कि आप अभी जीएसटीआर 3B में करते हैं, उसमें आपको टैक्सेबल वैल्यू, आपको फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फलाना ढिकाना टैक्सेबल का फिर आपको अलग अलग दिखाना पड़ता है कि आईजीएसटी अनरजिस्टर्ड कितना है। कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, आपको अपनी सेल्स लायबिलिटी, अपनी आईटीसी का अमाउंट और जो आरसीएम लायबिलिटी है, इस 3 चीज को डिक्लेयर करना है पीएमटी 08 में। जो आपका टैक्स बनता है उसे पे कर देना है। अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा, आप अपना पीएमटी 08 फाइल करके अपना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, लेकिन आपको फाइल करना ये जरूरी है पीएमटी 08। किसी महीने में अगर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो भी आपको पीएमटी 08 वो निल फाइल करना मैंडेटरी है। निल फाइलिंग भी आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। अगला पॉइंट निकल के आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें क्या कहते हैं। द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम इन द फर्स्ट 2 months हैज टू बी मैच्ड विद द इनवॉइसेस अपलोडेड इन जीएसटी ANX2 इन द 3rd month फॉर क्वार्टरली फाइलर्स एंड मिसिंग इनवॉइसेस टू बी अपलोडेड इन टेबल 3L ऑफ जीएसटी ANX1। सपोज आप जीएसटी के नए रिटर्न के अंदर क्वार्टरली ऑप्ट कर लेते हैं और आप क्वार्टरली रिटर्न अगर फाइल करते हैं, लेकिन आपको पीएमटी 08 वो हर महीने फाइल करनी है। जुलाई 19 की आप पीएमटी 08 फाइल करेंगे, अगस्त 19 की पीएमटी 08 फाइल करेंगे और फिर जुलाई अगस्त सितंबर महीने की जीएसटी RET1 आप फाइल करेंगे क्वार्टरली अगर आप जा रहे हैं।
तो अब समस्या ये आ रही है लोगों को कि जुलाई 19 में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, अगस्त 19 में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, उस टाइम पे आपको कहीं कोई चीज मिलान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सितंबर 19 की अपनी जीएसटी आरईटी 1 रिटर्न फाइल करेंगे, उस टाइम पे आपको ये चीज चेक करना होगा कि जिस इनवॉइसेस का क्रेडिट आपने जुलाई 19 और अगस्त 19 में लिया हुआ है वो आपके जीएसटी एएनएक्स 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो अमाउंट का इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आपको अपनी जीएसटी एएनएक्स 1 के टेबल नंबर 3L में उस इनवॉइस का डिटेल्स अपलोड करना होगा, तभी आपका क्रेडिट जो है वो एक्सेप्टेड माना जाएगा, नहीं तो वो क्रेडिट एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसी प्रकार से सपोज आपका जुलाई 19 का टैक्स जो बनता था वो आपने पे कर दिया, अगस्त 19 का जो टैक्स बनता था वो आपने पे कर दिया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का इकट्ठा जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें जो आपका टोटल टैक्स बनेगा, सपोज जुलाई अगस्त सितंबर में टोटल टैक्स आपका बन गया 3 लाख रुपए, जिसमें से जुलाई और अगस्त में आपने 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी PMT08 के थ्रू जमा करवा दिया है, तो सितंबर की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस टैक्स का जो अमाउंट है उसे ही पे करना होगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए जो आपने पहले जमा कराए थे वो आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। अगला पॉइंट जो निकल के आता है और ये लास्ट पॉइंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा फॉर्म डिस्कस करेंगे फटाफट। फॉर मंथली फाइलर्स आईटीसी क्लेम्ड इन द मंथ हैज टू बी मेज्ड विद जीएसटी एएनएक्स 2 ऑन मंथली बेसिस एंड मिसिंग इनवॉइसेस टू बी अपलोडेड इन टेबल 3L ऑफ जीएसटी एएनएक्स 1। अगर आप क्वार्टरली में जाते हैं तो आपको 2 महीने का जो परचेज का क्रेडिट है वो तीसरे महीने मैच करना है, लेकिन अगर आप महीने महीने फाइलिंग में है, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, तो आपको जो भी पीएमटी 08 में क्रेडिट आप ले रहे हैं वो आपको जीएसटी एएनएक्स 2 से उसी महीने चेक करना होगा। अगर नहीं है तो वो आप जीएसटी एएनएक्स 1 के टेबल नंबर 3L में अपलोड करेंगे। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट जो है वो प्रोविजनल माना जाएगा और उसमें फिर कार्रवाई कर सकता है डिपार्टमेंट। तो इस चीज को समझ लीजिए कि पीएमटी 08 में जो क्रेडिट है वो आपका फाइनल क्रेडिट नहीं होगा, वो सब्जेक्टेड टू होगा एडजस्टमेंट इन जीएसटी एएनएक्स 1 एंड एएनएक्स 2। अब आते हैं और देखते हैं जीएसटी पीएमटी 08 का फॉर्म। ये है हमारे पास जीएसटी पीएमटी 08, इसमें लिखा गया पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। ये सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न में आपको अपना सेल्फ असेस करके टैक्स का पेमेंट करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स जो मांगा गया, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी एंड आईटीसी अवेल्ड। यहाँ पे 3 चीजें मांगी गई हैं सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी और आउटपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। पहला है लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर अदर देन रिवर्स चार्ज, मतलब जो नॉर्मल आपकी सेल्स की लायबिलिटी है उसका अमाउंट जो मैंने आपको बताया सेल डिटेल्स। लायबिलिटी टू पे टैक्स रिवर्स चार्ज, लायबिलिटी टू पे टैक्स रिवर्स चार्ज मतलब आरसीएम की लायबिलिटी का जो डिटेल्स मैंने आपको बताया वो डालना है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया वो आप यहाँ पर जिस प्रकार से 3B में क्लेम करते थे समरी वाइज वो अमाउंट आप यहाँ पर क्लेम कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई डिटेल्स आपको यहाँ पर नहीं डालनी है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स है वो सिमिलर पैटर्न पे जैसे 3B में हम लोग सेट ऑफ करते थे वही सेट ऑफ वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर आपको रिवर्स चार्ज अदर देन रिवर्स चार्ज जो आपने कैश में पे किया जो आपने आईटीसी एडजस्ट करा वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर देना है। यहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है नेगेटिव फिगर्स का अलाउ किया गया है, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। अगर आपके पिछले टैक्स पीरियड में कोई नेगेटिव लायबिलिटी है तो उसको भी आप यहाँ पर एडजस्ट करवा पाएंगे। ये पहले जीएसटी 3B में ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन दिया गया है, नेगेटिव लायबिलिटी का भी आप यहाँ पर अमाउंट जो है डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि काफी लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था कि पीएमटी 08 कब और किसे फाइल करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि जीएसटी पीएमटी 08 क्या है और किसे फाइल करना है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके चैनल अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।